हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग नौवीं कक्षा में सेमुसी पाठ्य पुस्तक जो आपका कोर्स बुक है, रीडर बुक है, उसमें आपका ये सेकेंड चैप्टर यानी द्वितीय पाठ, टॉपिक है स्वर्ण काकः, है ना। आपके सामने में सारी किताबें होगी, सभी बच्चों के सामने में आप कापी और किताब दोनों खोल करके रखेंगे और आपको जो मैं इस रीडर बुक को किस तरह से उच्चारण करके आपको मैं बताता हूँ इस कहानी को संस्कृत में और उसका किस तरह से अनुवाद होता है, शब्दों के अर्थ को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, किस तरह से बताते हैं, आप जरूर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहाँ कठिनाई होंगी शब्द के अर्थ को आप जरूर लिखेंगे। बच्चों ये टॉपिक्स है आपका कि स्वर्ण काकः, स्वर्ण काकः, स्वर्ण का अर्थ होता है सुनहला, वैसे स्वर्ण शब्द का अर्थ होता है सोना, और काकः मतलब होता है कौवा, जानते ही हो। तो बच्चों तो सोना का कौवा तो नहीं होगा, लेकिन सुनहले रंग का कौवा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कौवे किस रंग के होते हैं, तो काले रंग के। तो यहां पर टॉपिक है आपका कि स्वर्ण काकः यानी सुनहला कौवा। बच्चों ये कहानी जो है जो आपके पाठ पुस्तक में जो दी गई है, सेमुसी पाठ पुस्तक में, चूंकि आप 8th से 9th में आए हो, 9th में ये बुक आपको NCERT की बुक्स है और ये बुक चेंज हुई है, बदली गई है, एक नई बुक है। इसमें जो कहानियां दी गई है बच्चों, ये इसमें इन कहानियों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमारे संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से भी लिया गया है कुछ टॉपिक्स। कुछ जो कहानियां हैं जो कि दुनिया के यानी विश्व के संसार के अन्य देशों में उन देश की अपनी भाषाओं में लिखी गई जो कहानियां हैं उसको संस्कृत भाषा में अनुवाद करके यहां आपको पाठ के रूप में दिया गया है। बच्चों ये जो कहानी है, ये स्वर्ण काकः, ये आपको संस्कृत के एक विद्वान हैं जिसका नाम है पद्मशास्त्री। तो ये पद्म शास्त्री जी जो हैं उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखित है एक कथा शतकम, विश्व कथा शतकम नामक एक ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है, जिसमें विश्व कथा शतकम, ये शब्द का अर्थ ही आपको समझ में आ ही गया होगा कि विश्व मतलब हो गया संसार, दुनिया, कथा मतलब कहानी, और शतक का अर्थ होता है 100, यानी दुनिया की, संसार की 100 कहानियों का संग्रह, यानी दुनिया में विभिन्न भाषाओं में जो अपनी अपनी भाषाओं में विश्व के जो अन्य देश हैं वहाँ जो अपनी अपनी भाषाओं में जो कहानियाँ लिखी गई है उन सभी कहानियों को, विभिन्न देशों की 100 कहानियों को संकलित करके पद्मशास्त्री जी ने एक ग्रंथ लिखे जिनका नाम है, उनका संकलन किए जिनका नाम है विश्व कथा शतकम। बच्चों उन्हें ये विश्व कथा शतकम जिसमें 100 दुनिया की, संसार की 100 कहानियां उसमें संकलित है, उन्हीं बुक से, उसी बुक से एक आपको ये द्वितीय पाठ में जो टॉपिक्स दी गई है स्वर्ण काकः सुनहला कौवा, वो उसी बुक से लिया गया है। बच्चों ये कहानी बर्मा देश की है, बर्मा का नाम सुने होंगे जिसको म्यांमार कहते हो, तो बर्मा देश की कहानी है। कहानी का मूल केंद्रीय भाव यही है कि लोभ का क्या परिणाम, दुष्परिणाम होता है। यद्यपि हम लोग जानते ही हैं लोभ जो है, लोभ से पाप होता है, लोभ से विनाश होता है, तो कि लोभ करने से उसका क्या दुष्परिणाम होता है और लोभ नहीं करने से उसका क्या सुपरिणाम होता है, उसी को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि किसी गांव में एक बूढ़ी औरत थी, एक बूढ़ी महिला थी, और वो बूढ़ी महिला, मैं आपको स्टोरी समरी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वो बूढ़ी महिला थी, अत्यंत निर्धन थी, गरीब थी, उनकी एक दुहिता यानी उनकी एक बेटी थी, और एक दिन वो बूढ़ी जो थी अपनी बेटी को कही कि सामने में अपने घर के आगे में जो आंगन होता है वहाँ पर, उनके घर में
थोड़ा जो चावल था उस चावल को धूप लगने के लिए चावल को अपने आंगन में डाल दी थी, रख दी थी धूप लगने के लिए। और अपनी जो बेटी थी उनको उन्होंने कह दी कि तुम उस चावल की रक्षा करो कि कोई पक्षी वगैरह आकर के उस चावल को खा न ले। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो बच्ची उस चावल को की रक्षा करने के लिए वो बैठी हुई थी, तभी एक सुनहले रंग का एक कौवा आकर के उस चावल को खाने लगता है। सुनहले रंग का कौवा आकर के उस चावल को क्या करता है, तो खाने लगता है। तो ये चूंकि उनकी माँ जो थी बहुत गरीब थी, घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, बस वही मात्र चावल था, तो बच्ची कहती है कि अरे कौवा, तुम मेरे चावल को जो खा रहे हो तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, मुझे खाने के लिए तो और कुछ बचेगा नहीं, तुम जो ये खा लेते हो खा रहे हो। तो वो बच्ची की आवाज़ को सुन करके वो सुनहला जो कौवा था उधर से जवाब देता है हंसता हुआ कि अरे तुम्हारा जो चावल हम खाते हैं ना, कल तुम देखते हो वो जो पेड़ है उस पेड़ पर मेरे यहाँ आना, मैं तुमको चावल का मूल्य दे दूंगा। वो कौवा कहता है मैं तुमको चावल का मूल्य दे दूंगा। बच्ची को ये बात बहुत कुतूहलपूर्वक लगी कि ये कौवा हमको ये बात कह रहा है कि तुम मेरे यहाँ आना, मैं तुमको चावल का मूल्य यानी कीमत दे दूंगा। बच्ची को भर रात नींद नहीं आई, इतनी उत्सुकता थी, इतनी जिज्ञासा बढ़ी हुई थी कि कल सुबह होते ही हम कौवा के यहाँ जाएंगे, उस पेड़ पर जाएंगे। सुबह जैसे ही प्रातःकाल हुआ, वो बच्ची जब जगी तो जगने के उपरांत वो दौड़ती हुई उस पेड़ के नज़दीक गई जिस पेड़ के ऊपर में वो कौवा घर बना करके रह रहा था। चूंकि यह कहानी बर्मा देश की है, म्यांमार की कहानी है, तो इसमें बच्चों ये बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए लोभ का क्या परिणाम होता है, और जो लोभ नहीं करता है उसका क्या सुपरिणाम उनको मिलता है, अच्छा फल कैसे मिलता है। तो वो बच्ची उस पेड़ के नजदीक जब पहुंचती है तो आवाज लगाती है कि अरे कौवा, अरे सुनहले कौवा, मैं तो आ गई हूं, हाँ मुझे चावल का मूल्य दो। तो कौवा जग गया, तो वो बच्ची देखती है कि उस पेड़ के ऊपर में बहुत आलीशान सुंदर भवन मकान बना हुआ है। तो कौवा खिड़की से जब वो देखता है कि वो बच्ची पेड़ के नीचे में खड़ी है, तो कौवा ऊपर से ही कहता है अरे बताओ कि तुमको पेड़ पर चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ियां भेज दूं, या तांबे की सीढ़ियां भेज दूं, या लोहे की सीढ़ियां भेज दूं। तो बच्ची कहती है कि अरे कौवा, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, मैंने तो कभी सोने चांदी का नाम भी नहीं सुना है, तो तुम मुझे लोहे की सीढ़ियाँ ही भेज दो, मैं उसी पर चढ़ करके चली जाऊँगी। तो कौवा क्या करता है, सोने की सीढ़ियाँ वो नीचे पेड़ के नीचे भेज देता है, और लड़की उस सोने की सीढ़ी पर चढ़ करके और उस कौवे के महल में वो वहाँ पहुँचती है। देखिए यहीं पर है कि उन्होंने कौवा ने कहा कि तुमको ऊपर चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ियाँ भेजूँ कि चांदी की सीढ़ियाँ भेजूँ कि लोहे की सीढ़ियाँ। तो बच्ची कहती है कि नहीं, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैंने सोने चांदी को तो कभी देखा भी नहीं, तो मैं लोहे की सीढ़ियाँ पर चढ़ करके ही जाऊँगी। यानी उसके अंदर में कहीं लोभ, कहीं इस तरह की बातें नहीं थी कि हम सोने की सीढ़ी भेज देंगे, हम सीढ़ी लेकर के भाग जाएंगे, बहुत बड़े हम धनवान हो जाएंगे। तो कौवा ने उनको सोने की सीढ़ियाँ नीचे उतार दिया और उस पर चढ़ करके वो ऊपर चली गई। ऊपर जब गई तो वो देखती है कि वो कौवा का घर जो था वो बहुत विशाल आलीशान घर था, उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, उस सभी लगता था कि उसमें नक्काशी किया हुआ था, खाने पीने की सारी सामानें सजी हुई थी। तो कौवा उनसे पूछता है अच्छा बताओ बेटी कि तुम खाओगी, जो तुमको खाने के लिए क्या तुमको सोने की थाली में खाने के लिए दूं, या चांदी की थाली में, या पीतल वगैरह की थाली में, किस में? तो फिर वो लड़की कहती है कि देखो कौवा,
मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तो थाली में ही, मैं तो पत्तल में, मैं तो वृक्ष के पत्ते पर खाना खाती हूँ, मेरे यहाँ तो खाने के लिए कोई थालियाँ भी नहीं है, तो मैं सोने की थाली या चांदी की थाली में खाने योग्य नहीं हूँ, मैं सामान्य लोहे की थाली हो या अन्य कोई थाली हो उसी में मैं खा लूँगी। तो कौवा क्या करता है कि उसको सोने की थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के भोज्य सामग्रियां वो परोस देता है और वो लड़की जो है खाती है। खाने के उपरांत वो कौवा बोलता है, ये बच्ची कहती है कि सुनो, अब मुझे तुम उस चावल का मूल्य दो जिस मूल्य के लिए तुमने मुझे बुलाया था, और मैं अब घर भी जाऊंगी। तो कौवा उसको जवाब देता है कि देखो बच्ची, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहना, तुम यहीं रहो, मेरे यहाँ ही रहो, ये घर मैं तुमको दे दूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम बूढ़ी माँ की एक अकेली बेटी हो, और तुम यदि माँ के पास नहीं रहोगी तो माँ तुम्हारी बहुत चिंतित होगी। ठीक है, तुम अपने घर को जा सकती हो। और तब वो कौवा उनको विदा कर दिया और वो चली गई। जब वो घर जाती है तो देखती है कि उनकी बूढ़ी माँ जो एक साधारण सी झोपड़ी में, कुटिया में रहती थी, वहाँ एक आलीशान भवन बना हुआ है, मकान बन गया। बच्ची को बहुत आश्चर्य हुई कि कौवे ने मेरे उस चावल का मूल्य वापस दे दिया। मूल्य क्या, कितना बड़ा हमको ये उन्होंने दे दिया कि घर महल बना दिया, खाने पीने की सारे सामान की व्यवस्था वहाँ कर दिया गया। तो अब उस गरीब जो बच्ची थी, उस गरीब माँ की जो वह वो बच्ची थी, अब वो बच्ची इतनी धनी हो गई, उसकी माँ संपन्न हो गई। इन बातों की जानकारी उस गांव में, उस गांव के इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी चर्चा होती थी तो लोग इस घटना को आपस में याद करते थे, चर्चा करते थे, शेयर करते थे। ठीक उसी गांव में एक लोभी बच्ची थी, वह भी साजिश के तहत, कि उनको हुआ कि जब इस तरह की घटना होती है कौवे के द्वारा तो बहुत बड़ा ये मिलता है, तो हम भी इस तरह का काम करें। तो एक लोभी औरत क्या करती है, तो उसी तरह चावल को अपने आंगन में फैला देती है धूप लगने के लिए, और अपनी बेटी को कहती है कि तुम इस चावल की रक्षा करो कि कोई पक्षी वगैरह इसको आकर के खा न ले। तो वो बच्ची उसको देख रही है, तब फिर वही सुनहला कौवा, वह सुनहले रंग का स्वर्ण काक जो था, वह पुनः आकर के उस चावल को खाने लगता है। वो बच्ची कहती है, अरे कौवा, तुम मेरे चावल को खा रहे हो, तुमको इस चावल का मूल्य देना पड़ेगा। कौवा खाता भी है और हंसता भी है, ठीक है, मैं चावल का मूल्य आपको दे दूंगा। बच्ची बार बार कहती है, तुम इसको उपहास में मत लो, मजाक में इसको मत लो, मैं कहती हूं ना कि मुझे चावल का मूल्य चाहिए। कौवा कहता, मैं आपको कहता हूं ना, मैं तुमको चावल का पूरा मूल्य चुका दूंगा, मेरा घर उस पेड़ के ऊपर में है, तुम कल सुबह मेरे यहां चले आना। लड़की बहुत खुशी हो गई कि अब मेरा भी उसी तरह, वो जो गांव की दूसरी जो लड़की के साथ ये घटना घटी, अब मेरे साथ भी वही बातें होगी। रात भर उसको नींद नहीं आई उस बच्ची को, कि जैसे ही सुबह होगा हम जाएंगे, कौवा से मिलेंगे और मुझे भी इस तरह धन की प्राप्ति होगी। तो वो लड़की प्रातःकाल जैसे उस पेड़ के समीप पहुँचती है, आवाज़ देती है। आवाज़ जब देती है तो कौवा फिर जग करके ऊपर से वो देखता है, कौवा देखता है, और देखने के उपरांत वो देखता है कि वही बच्ची है जिसका कि चावल मैंने कल खाया था और जिसको मैंने यहाँ आने के लिए बुलाया था। तो कौवा कहता है, अरे बच्ची, अरे बताओ, तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या लोहे की सीढ़ियाँ मैं नीचे भेज दूँ? तो वो लड़की कहती है गर्व से कि सोने की सीढ़ियाँ तुम भेज दो नीचे, सोने की सीढ़ियां भेज दो, मैं सोने की सीढ़ी पर चढ़ करके तुम्हारे घर पहुंचूंगी। कौवा इस बात को सुना, कौवा क्या करता है, तो उसके लिए लोहे की सीढ़ियां भेज देता है, और वो लड़की लोहे की सीढ़ी पर चढ़ करके, और वो
कौवे के महल में जब पहुंच जाती है तो कौवा बैठाता है और फिर पूछता है, अरे बताओ तुमको बहुत भूख लगी होगी, सोने की थाली में खाने के लिए तुमको बहुत सारी सामग्रियां हैं, बहुत सारे सामान हैं, खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ। अच्छा बोलो बच्ची कि तुमको खाने के लिए सोने की थाली दूं, चांदी की थाली, या लोहे वगैरह तांबे वगैरह के और बर्तन में तुमको खाने के लिए दूं। तो बच्ची कहती है, वो लड़की कहती है कि मैंने आज तक सोने के अलावे दूसरी थाली में खाई ही नहीं हूं, इसलिए मुझे सोने की थाली में ही भोजन चाहिए। तो वो कौवा क्या करता है कि उसको लोहे की तांबे या लोहे की थाली में उसको खाने के लिए देता है ना। और उसके बाद जब है वापस आता है तो वो कहता है कि अब मुझे घर जाने की इजाज़त दो। तो कौवा कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। कौवा उनको ये नहीं कहा कि तुम यहीं रहो, वो पहली बच्ची की तरह कौवा कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। तो वही उनके मन में ये बात हुई कि कौवा हमको उसी बच्ची की तरह घर पर जो है पूरा धन संपत्ति भेज दिया गया होगा। वो लड़की पूरे आनंद के साथ आती है अपने घर पर, और घर पर जब आती है तो उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। और वह तब उसको अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कि मैंने जो मांगा वो मुझे नहीं मिला, और जिसने मांगा जिसने नहीं मांगा उसको सब कुछ मिला। तो बच्चों इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि मांगने वाला जो होता है, जो मांगता है उसको मिलता नहीं है, और जो नहीं मांगता है उसको सब कुछ मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमको हमें लालच होगी, कोई भावना से दुर्भावना से ग्रसित होकर के यदि हम किसी के सामने कोई याचना करते हैं तो शायद इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी को पढ़ने के उपरांत हमको ये, हम लोगों को ये मानना चाहिए कि उसको उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिलती है। यदि बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के यदि हम किसी के पास जाते हैं और वो हमें आगे आकर के बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं और वहाँ हम अपनी लालच लोभ को नहीं प्रदर्शित करते हुए सामान्य रूप से हम सामान्य आदमी की तरह वहाँ यदि पेश आते हैं तो वहाँ हमें हो न हो ज़्यादा सफलता की संभावना बनती है। तो कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। ये बर्मा देश की कहानी है जिसको कि संस्कृत भाषा में अनुवाद करके ये पद्म शास्त्री जो संस्कृत के एक विद्वान हैं उन्होंने अपने जो कथा ग्रंथ है विश्व कथा सप्तकम इसमें संकलन किए, और उसी संकलन से आपको एक कहानी ये द्वितीय पाठ में दिया गया है। तो ये कहानी का मूल उद्देश्य यही है। अब है कि आपको एग्जाम में जो आप परीक्षा देंगे पीरियडिक वगैरह या कोई भी आपको स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको पिछले क्लास में भी आप इस तरह के आंसर सब लिखे होंगे, क्वेश्चन मिला होगा कि एक पैराग्राफ, कहानी का एक पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है 1 वर्ड्स में, दूसरा होता है फुल सेंटेंस में, और तीसरा होता है ग्रामेटिकल्स। तो 5 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, इस आपके ये सेमुसी पाठ पुस्तक जो है इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर के अंत में जो अभ्यास के लिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो खुद बनाने के लिए है। आपको एग्जाम में उस परीक्षाओं में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होता है कि एक गद्यांश, यानी आपको मान लीजिए ये 2 चैप्टर है, पहला चैप्टर है भारतीय वसंत गीति वह तो पद्यांश हो गया, और दूसरा चैप्टर है आपको ये स्वर्ण का ये गद्यांश हो गया। तो उसमें मान लीजिए एक पद्यांश से क्वेश्चन है तो एक पद्यांश दिया हुआ है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 1 वर्ड्स में, फुल सेंटेंस में, और ग्रामेटिकल्स। उसी तरह से एक गद्यांश आपको जैसे स्वर्ण काका है, एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा उसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, पहला 1 वर्ड्स में, दूसरा फुल सेंटेंस में, और तीसरा ग्रामेटिकल्स। बच्चों मैं आपको फिर बताने का प्रयास करूँगा, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको वो पैराग्राफ इसी चैप्टर से जो दिया हुआ रहेगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस
दिए रहेंगे, उसका आंसर कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। आप निश्चित रूप से इस कहानी को समझ गए होंगे और खुद से पढ़ करके समझेंगे इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।